चलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग मस्त होंगे। यहाँ दोस्तों, अगर आप भी आईपीओ में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं और आपको लग रहा है कि आपसे एक मौका मिस हो गया, तो डोंट वरी, और भी मौके आपके लिए रेडी है। जी हाँ दोस्तों, 19 तारीख को एक साथ ओपन हो रहे हैं 4-4 आईपीओ। किस आईपीओ में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए और किस आईपीओ को आपको अवॉइड करना चाहिए, ये सब कुछ डिटेल के साथ हमने एनालिसिस करके हमारे यूट्यूब चैनल पर उसके वीडियो बनाए हैं। आप वहाँ पे जाके इसके डिटेल एनालिसिस वीडियो चेक कर लेना। और आज हम बात करने वाले हैं कॉस्टेलिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में। इसके अलावा और 3 आईपीओ भी ओपन हो रहे हैं, कौन से वो आईपीओ है सब कुछ जानने के लिए वीडियो एंड तक जरूर देखें। चलो दोस्तों, मैं दीपक प्रजापति फिर से स्वागत करता हूँ आपका बढ़िया से आईपीओ की अपडेट के साथ। और स्वागत है आपका योर मोस्ट ट्रस्टेड स्टॉक मार्केट न्यूज चैनल आईपीओ वॉच के अंदर। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज इस वीडियो के अंदर हम कॉस्टेलिक इंजीनियरिंग लिमिटेड के आईपीओ के बारे में आपको डिटेल एनालिसिस करके बताने वाले हैं, जिसके अंदर हम आईपीओ की डिटेल्स जानेंगे, कंपनी की डिटेल्स जानेंगे, कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन जानेंगे, जानेंगे क्या है उसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम, देन हम आपको बताएंगे कि आपको इसमें अप्लाई करना चाहिए या इसको अवॉइड करना चाहिए। सो बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के अंदर इस आईपीओ का डिटेल एनालिसिस। सो कॉस्टेलिक इंजीनियरिंग लिमिटेड का आईपीओ जो है वो 19 जनवरी से ओपन होगा, वही 23 जनवरी तक आप इसमें इन्वेस्ट कर पाओगे। आईपीओ का साइज जो है वो 28.70 करोड़ रुपए का रहेगा, जिसमें 41 लाख इक्विटी शेयर इश्यू किए जाएंगे। इसकी फेस वैल्यू 10 रुपए पर इक्विटी शेयर है। इसका प्राइस बैंड जो है वो 66 से लेकर 70 रुपीज पर इक्विटी शेयर है। रिटेल कोटा इसमें 35% रिजर्व है, YBS के लिए 50% रिजर्व है और NII के लिए यहाँ पे 15% रिजर्व रखा गया है। SME सेगमेंट का ये IPO है, तो इसमें शेयरों की साइज जो है वो 2000 शेयर रहने वाले हैं। भाई इन्वेस्टर को इसमें 1,40,000 रुपये इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। इसके अलॉटमेंट और लिस्टिंग की अगर मैं बात करूँ, तो इसका अलॉटमेंट आपको 24 जनवरी को मिल सकता है, वही 29 जनवरी को आपको इसका लिस्टिंग भी देखने को मिल जाएगा। इस कंपनी के आईपीओ की वैल्यूएशन पर अगर हम नज़र डालें, तो इसका अर्निंग पर शेयर जो है वो 7.07 इक्विटी शेयर है। इसका रिटर्न और नेटवर्क अगर हम देखें तो 12.56% है। वही इसकी NAV यानी नेट एसेट वैल्यू की अगर हम बात करें, तो 46.10 पर इक्विटी शेयर इसका NAV है। अब इस कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशंस पर अगर हम नज़र डालें, तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में कंपनी का रिवेन्यू 106.17 करोड़ रुपए था, वही इसका प्रॉफिट जो है वो 1.90 करोड़ रुपए था। फाइनेंशियल ईयर 2022 में इसका रिवेन्यू में बढ़ोतरी हुई, 109.02 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, वही इसका प्रॉफिट जो है वो भी 3.52 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रिवेन्यू 155 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, वही इसका प्रॉफिट जो है वो 7.78 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। 2024 के 6 महीनों के अंदर ही इसका रिवेन्यू 94.34 करोड़ रुपए पर पहुंच गया, वही इसका प्रॉफिट जो है वो 4.56 करोड़ रुपए पर पहुंच गया। इसके प्रमोटर्स के तौर पर मिस्टर बिहारी लाल रविलाल शाह, मिस्टर अमित बिहारी लाल शाह इसके प्रमोटर्स है। इसके लीड मैनेजर और मर्चेंट बैंकर्स की अगर हम बात करें, तो बेलिन कैपिटल एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड को इसके मर्चेंट बैंकर के तौर पर तय किया गया है। वही इसके रजिस्ट्रार्स की अगर हम बात करें, तो स्काईलाइन फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड को इसके रजिस्ट्रार के तौर पर तय किया गया है, यानी आप आपका अलॉटमेंट जो है इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हो। अब दोस्तों, इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की अगर हम बात करें, तो अभी फिलहाल इसके ग्रे मार्केट के अंदर जो प्राइस है वो 8 रुपये के प्रीमियम पर ट्रेड कर रहा है, और इसका परसेंटेज वाइज हम गिने तो 11% पर अभी ये ट्रेड कर रहा है। यानी अगर यही ग्रे मार्केट चलता रहा, तो इस आईपीओ से आपको 11% तक का मुनाफा तो मिल ही सकता है। पर दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मार्केट सेंटीमेंट के हिसाब से और ग्रे मार्केट में डिमांड के हिसाब से ग्रे मार्केट प्रीमियम जो है वो अप एंड डाउन होता रहता है, परंतु आपकी सहूलियत के लिए हमने इसके लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप वहाँ पे जाके इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चेक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, डे बाय डे इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम अप एंड डाउन होता रहता है। हो सकता है जिस दिन आप इसका वीडियो देख रहे हो, उस दिन इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम कुछ और ही चल रहा हो, वो डे बाय डे आप चेक करते रहना, ताकि आपको आइडिया है कि आज इसका लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। अब दोस्तों, कोई भी कंपनी में अगर आप इन्वेस्ट करते हो, तो उसकी कंपनी की प्रोफाइल यानी कंपनी डिटेल्स भी आपको मालूम होनी चाहिए।
इस कंपनी की डिटेल्स की मैं बात करूं तो दिसंबर 1995 में स्थापित कॉन्स्टेलेक इंजीनियरिंग लिमिटेड ई इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन कमीशन ईपीसी जैसे क्षेत्रों के लिए सक्रिय है। कंपनी इंजीनियरिंग और ड्राइंग्स, प्रोक्योरमेंट, ऑपरेशनल्स और मेंटेनेंस, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन और कमीशनिंग सहित कई सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करती है। यानी ये जो है प्लेटफॉर्म बेस्ड काम करती है और कंपनी काफी बढ़िया है। जी हाँ दोस्तों, तो आपने देखा कि कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी आगे बढ़ रही है, कंपनी का फाइनेंशियल रिपोर्ट भी काफी बढ़िया है। तो अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हो तो आगे जाके आपको भी ये कंपनी फायदा दे सकती है। तो एज पर अवर रिसर्च आपको इस कंपनी में जरूर से इन्वेस्ट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और आप इस IPO को लेकर कितने एक्साइटेड हो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ऐसे ही IPO की अपडेट जानने के लिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और साथ में लगा हुआ बेल आइकन भी दबा देना ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।